मुक्ति दिवस समारोह में शामिल हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पणजी के डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित गोवा मुक्ति दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन विजय के स्वतंत्रता सेनानियों और वरिष्ठ योद्धाओं का सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने पुनर्निर्मित फोर्ट अगुआड़ा कारागार संग्रहालय गोवा चिकित्सा महाविद्यालय में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक न्यू साउथ गोवा जिला अस्पताल मोपा हवाई अड्डे पर विमानन कौशल विकास केंद्र और डावोरलिस नावोलिम मठ गांव में गैस इंसुलेटेड उपकेंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पीएम ने कहा कि आज गोवा न केवल अपनी मुक्ति की डायमंड जुबली मना रहा है बल्कि 60 वर्षों की इस यात्रा की स्मृतियां भी हमारे सामने हैं। पीएम ने कहा कि हमारे सामने आज संघर्ष और बलिदानों की गाथा भी है। लाखों गोवा वासियों के परिश्रम और लगन के वो परिणाम है जिनकी वजह से हमने एक लंबी दूरी तय की है। आज हम एक और गोवा लिबरेशन डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो दूसरी ओर गोवा के विकास के लिए नए कदम भी बढ़ा रहे हैं। अगुआड़ा जेल संग्रहालय, मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, दक्षिण गोवा जिला अस्पताल और डावोरलिम के गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन का लोकार्पण भी हुआ है। गोवा मेडिकल कॉलेज और मोपा हवाई अड्डे पर विमानन कौशल विकास केंद्र की शुरुआत भी आज से हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गोवा में हर साल फिल्म महोत्सव से यहां पर्यटन को बढ़ावा मिला है जिससे गोवा के विकास में रफ्तार आई है। अभी यहां आने से पहले मुझे आजाद मैदान में शहीद मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का सौभाग्य भी मिला। शहीदों को नमन करने के बाद मैं मीरामर में सेल परेड और फ्लाई पास का साक्षी भी बना। यहां आकर भी ऑपरेशन विजय के वीरों को, वेटरन्स को देश की ओर से सम्मानित करने का अवसर भी मिला। इतने अवसर अभिभूत करने वाले इतने अनुभव गोवा ने आज एक साथ दिए। यही तो जिंदा दिल वाइब्रेंट गोवा का स्वभाव है। मैं इस स्नेह के लिए, इस अपनेपन के लिए गोवा के जन जन का आभार प्रकट करता हूं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पणजी में आजाद मैदान में शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने वाले भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए ऑपरेशन विजय की सफलता को चिन्हित करने के लिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने पणजी में मीरामार बीच पर गोवा लिबरेशन डे के अवसर पर आयोजित सेल परेड और फ्लाई पास्ट में भी हिस्सा लिया। कामोव हेलीकॉप्टर्स का नेतृत्व कर रहे हैं कमांडर एम विपिन और उनके साथ है लेफ्टिनेंट मनीष।
कमांडर अमित शर्मा उनके साथ हैं लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतीक और दूसरे विमान में हैं कमांडर अरविंद नायर उनके साथ हैं लेफ्टिनेंट कमांडर सुदीप। और अब आ रहा है आपके बाई ओर से द पैंथर फॉर्मेशन। इस फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे हैं कमांडर सौरभ कोठियाल जिनके साथ हैं लेफ्टिनेंट कमांडर हर्षित बोरा। अद्भुत हवाई प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री के सम्मान में आज विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं वाली समुद्री नाव मंच के सामने से गुजरेंगी। मंच की ओर बढ़ रही है कोस्ट गार्ड इंटरसेप्टर बोट चार्ली 148। इस जहाज और बुलेटिन में यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आज ही लाए नए वर्ष की पहली जरूरत, लाला राम स्वरूप जबलपुर का राम नारायण पंचांग, ट्रेडमार्क नंबर 7071-72। आज ही लाए नए वर्ष की पहली जरूरत, लाला राम स्वरूप जबलपुर का राम नारायण पंचांग, ट्रेडमार्क नंबर 7071-72।